नमस्कार, मेरा नाम दीपक गुप्ता है और मैं हिंदूज फॉर ह्यूमन राइट्स संस्था के लिए काम करता हूँ। हमारे साथी फैजल खान भाई की गिरफ्तारी पर हमें बहुत आश्चर्य है और हम उनके मथुरा के मंदिर में गिरफ्तार किए जाने पर बहुत खौफजदा और गुस्सा है। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री श्रीकांत शर्मा रिपोर्टरों से बोलते हैं कि उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी क्योंकि तो वो समाज में कटुता फैला रहे। हम फैजल भाई की यात्रा को, खुदाई खिदमतगार को बहुत लंबे समय से साथ में उनके जुड़े हुए। इस पूरी यात्रा में वो एक कृष्ण के मंदिर में एक भक्त की तरह गए और सभी तरफ धर्म की दीवारों को पार करके शांति और प्रेम का संदेश उन्होंने दिया। हम खुदाई खिदमतगार के साथ पिछले कई वर्षों से काम कर रहे हैं और उनके निस्वार्थ काम इस COVID-19 के दौर में उन्होंने समाज के सभी धर्मों के लोगों की मदद की। खुदाई खिदमतगार का अर्थ होता है खुदा के बंदे, खुदा के नौकर। ये मूवमेंट 1929 में महान फ्रंटियर गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान बादशाह खान ने शुरू किया और वह गांधी जी की प्रेरणा से शुरू किया था। फैसल भाई हमारे समय के फ्रंटियर गांधी हैं, हमारे समय के खान अब्दुल गफ्फार खान। हमने उनसे भी तात्कालिक रूप से फैसल भाई से बातचीत की थी और उनसे पूछा था कि हमारे लोकतंत्र की जो वर्तमान स्थिति है उसके बारे में वो क्या सोचते हैं। तो उन्होंने ये माना था कि हमारे लोकतंत्र के लिए ये बहुत चुनौतीपूर्ण बड़ा समय है। एक वास्तव में ये बहुत अंधेरा समय है और दुर्भाग्य ये है कि आज इस अंधेरे समय में महात्मा गांधी जी और खान अब्दुल गफ्फार खान के रास्ते पर चलने वाले हमारे फैजल भाई को इस सरकार ने गिरफ्तार कर लिया और वो भी इसलिए कि एक हिंदू मंदिर के अंदर मथुरा में उन्होंने नमाज पढ़ी और उन पर ये आरोप लगाया जा रहा है कि नमाज पढ़ के उन्होंने सांप्रदायिक सद्भाव को भंग किया। जो व्यक्ति अपना सारा जीवन सांप्रदायिक सद्भाव के लिए काम करता रहा उस व्यक्ति पर ये आरोप लगाना न केवल हास्यास्पद है बल्कि मूर्खतापूर्ण। और उस मंदिर में नमाज पढ़ने के लिए हमारे फैजल खान भाई ने वहां के मंदिर के पुजारी से बकायदा अनुमति ली। उनकी अनुमति और सहमति के बाद ही ऐसा किया गया, उसके बाद भी उन पर ये आरोप लगाना। मैं एक हिंदू हूं और मुझे शर्म आती है ये सुन करके कि एक मंदिर में नमाज पढ़ने से मंदिर का अपमान होता है। कितने आश्चर्य की बात है। हिंदू धर्म के इतिहास में ऐसी अनेकों कहानियां हैं जहां पर हिरण्यकश्यपु और प्रहलाद की कहानी हमें ये बताती है ईश्वर का वास सभी जगह है, सभी प्राणियों में। ऋग्वेद सदा से ये कहता है एकम सर्वे प्रा बहुधा वदन्ति, यानी एक ही सत्य को लोग अनेकों अनेक तरीकों से कहते हैं। ये तो भगवान कृष्ण का मंदिर था। इस मंदिर में भगवान कृष्ण स्वयं गीता में कहते हैं कि हे अर्जुन, जो पुत्र पत्रम पुष्पम फलम तोयम, जो मुझे पत्र पुष्प फल कुछ भी प्रेम से अर्पित करता है मैं उसे मन से स्वीकार करता हूं। ऐसे भगवान कृष्ण के मंदिर का फैजल खान जैसे सच्चे भक्त से अनादर हो सकता है? ये अपने आप में आश्चर्यजनक है। नहीं लगता हमें कि हम कहाँ जा रहे हैं। एक हिंदू के तौर पर एक मस्जिद में नमाज पढ़ने के साथ साथ अगर कोई मुसलमान भाई ने मंदिर में नमाज पढ़ी उससे मंदिर का अपमान हो ही नहीं सकता। उनको गिरफ्तार करना महात्मा गांधी और खान अब्दुल गफ्फार खान की परंपरा का मजाक उड़ाना है। इसलिए हिंदूज फॉर ह्यूमन राइट संस्था की ओर से हम ये निवेदन करते हैं कि शांति, अहिंसा और एकता की बात करने वाले हिंद फैजल भाई और हमारा हिंदू धर्म दोनों अलग-अलग नहीं है। इसलिए उन्हें तत्काल बिना शर्त बिना गलती के रिहा किया जाए। नमस्कार।